और आइए अब सुपर फास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं 8 बजे की 80 बड़ी खबरें। अतीक अहमद को यूपी पुलिस से जान का खतरा, सुरक्षा की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश तेज, गिरफ्तारी के लिए बनाई गई महिला पुलिसकर्मियों की विशेष टीम। उमेश पाल मर्डर केस में एक और एनकाउंटर, अतीक के करीबी और 50,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली, बांदा पुलिस ने किया गिरफ्तार। फतेहपुर में अतीक के करीबी पर चला बुलडोजर, पुलिस ने अवैध जमीन पर बने मकान को किया ध्वस्त। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा, 4 साल पहले अतीक ने की थी उमेश की हत्या की प्लानिंग। देवरिया जेल में रहते अतीक ने की थी उमेश की हत्या की प्लानिंग, धूमनगंज थाने में दर्ज FIR में प्लानिंग का जिक्र। शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की आज कोर्ट में पेशी, कोर्ट से फिर रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है ईडी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में YSR कांग्रेस सांसद मगुंता रेड्डी की बढ़ी मुश्किलें, ईडी ने कल पूछताछ के लिए बुलाया। मगुंता रेड्डी के बेटे राघव रेड्डी की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी, इंडो स्प्रिट्स में MSR की 32.5% हिस्सेदारी का आरोप। राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने भेजा नोटिस, महिला उत्पीड़न से जुड़े बयान को लेकर पीड़ितों की मांगी जानकारी। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर नया हमला, बोले अडानी मुद्दे पर डरे हुए हैं प्रधानमंत्री। राहुल गांधी ने कहा, मंत्रियों के आरोपों का संसद में दूंगा जवाब, संसद में नहीं बोलने देने की आशंका भी जताई। राहुल के पी का पलटवार, रविशंकर प्रसाद बोले, देश को कब तक भटकाएंगे राहुल गांधी। विदेश में दिए गए राहुल के बयान पर विरोध तेज, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा बोले, भारत माँ का लंदन में किया अपमान। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा बोले, राहुल गांधी का बयान उनकी हताशा का परिणाम, देश उनको गंभीरता से नहीं लेता। कर्नाटक में असम के सीएम हेमंता बिस्वा सरमा का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा देश को कमजोर कर रही कांग्रेस, वो आज की नई मुगल। हेमंता बिस्वा सरमा ने कहा, औरंगजेब हमारी सनातन संस्कृति को नहीं कर पाया नष्ट, भारत सनातन है और रहेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का पश्चिम बंगाल दौरा आज, सपा की कार्यकारिणी की बैठक में होंगे शामिल। कार्यकारिणी की बैठक के बाद कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव, 2024 लोकसभा चुनाव पर हो सकती है चर्चा। कोलकाता में समाजवादी पार्टी की बैठक पर बोले कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कहा यूपी में अखिलेश की गुंजाइश नहीं, अब बंगाल से ही लगाएं उम्मीद। 21 मार्च को दिल्ली सरकार पेश करेगी बजट, केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम पर महाराष्ट्र में रोक लगाने की मांग, कांग्रेस नेता नाना पटोले बोले, ऐसे बाबाओं को प्रमोट कर रही बीजेपी। छिंदवाड़ा में सेंध मानने के लिए सरकार का हिंदुत्व कार्ड, कमलनाथ के गढ़ में शिवराज सरकार बनाएगी हनुमान लोक। संभल में कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने से दर्दनाक हादसा, अब तक 6 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा घायल, फंसे हुए लोगों के लिए रेस्क्यू जारी। नोएडा में नाले के अंदर मिली युवती की लाश, अलग अलग टुकड़ों में पड़ा था शव, सेक्टर 8 में मचा हड़कंप। बरेली में मानसिक रूप से बीमार विदेशी लड़की का अपहरण, नेपाल से इलाज के लिए आई थी भारत, तलाश जारी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर NIA की बड़ी कार्रवाई जारी, अब तक 300 से ज्यादा आतंकवादियों और उनके समर्थकों की संपत्ति कुर्की। यूपी में बढ़ सकता है बिजली संकट, निजीकरण के विरोध में 72 घंटे की हड़ताल पर हैं बिजली कर्मी, लखनऊ के शक्ति भवन पर PAC तैनात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS विक्रांत का किया दौरा, बोट पर अधिकारियों और नाविकों के साथ की बातचीत। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ का राष्ट्रीय एकता का आह्वान, इमरान बोले बातचीत के लिए तैयार। इमरान खान का पाकिस्तान सरकार पर बड़ा आरोप, बोले जेल में मेरा मर्डर कराना चाहती है सरकार। इमरान खान की और बढ़ी मुश्किलें, दर्ज हुई नई FIR, लाहौर में पुलिस PTI कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, मामले में कार्रवाई। बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार, 6 राज्यों को खत लिखकर दी हिदायत, कहा टेस्ट ट्रीट ट्रैक और वैक्सीनेशन पर जोर दें राज्य सरकारें। मध्य प्रदेश के भोपाल में मिला H3N2 का पहला केस, सर्दी खांसी के बाद रिपोर्ट आई पॉजिटिव।
महाराष्ट्र में तेजी से फैल रहा है H3N2 वायरस। 1 जनवरी से 15 मार्च तक 119 मामले, अब तक एक व्यक्ति की मौत। 1 जनवरी से 15 मार्च तक H1N1 के 324 मरीज मिले, इस वायरस से अब तक 3 की मौत। तेजी से फैल रहे H3N2 वायरस को लेकर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बुलाई बैठक, भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने की अपील की। हरिद्वार के नारसन में दिखा तेज रफ्तार का कहर, डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। लखनऊ विकास प्राधिकरण में बुजुर्ग फरियादी के साथ मारपीट, एलडीए के अधिकारी डीके सिंह पर पिटाई का आरोप। बेंगलुरु में गेल की गैस पाइपलाइन फटने से हादसा, 3 लोग घायल, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। हैदराबाद के सिकंदराबाद में एक इमारत में लगी भीषण आग, हादसे में 6 लोगों की मौत, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग की वजह। वाराणसी में एक घर में लगी भयंकर आग, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजस्थान के टोंक में बस में लगी भीषण आग, पोल से झूलती तार की चपेट में आने से हुआ हादसा। मैनपुरी में कुछ युवकों ने किया एक युवक पर चाकू से हमला, युवक गंभीर रूप से घायल, वीडियो हुआ वायरल। कौशाम्बी में मानवता हुई शर्मसार, एम्बुलेंस न मिलने पर बहन का शव बाइक पर ले जाता दिखा भाई, छात्रा ने की थी खुदकुशी। कानपुर पुलिस ने 3 एटीएम हैकरों को किया गिरफ्तार, हैकरों के पास से 68 एटीएम कार्ड हुए बरामद। कानपुर में जूनियर डॉक्टरों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में डंपर ने मारी कार को जोरदार टक्कर, कार में फंसे लोगों को गेट तोड़कर निकाला गया, घायलों का इलाज जारी। सुल्तानपुर में पुलिस जीप ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, 6 लोग हुए घायल, गुस्साए लोगों ने गाड़ी चालक को पीटा। आगरा में कॉमेडियन और यूट्यूबर बाबू गप्पी ने ताजमहल के अंदर बनाई रील, विदेशी महिला पर की टिप्पणी, प्रशासन करेगा कार्रवाई। हरदोई में कार की छत पर युवकों को स्टंटबाजी करना पड़ा महंगा, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने काटा चालान। अंबाला में चोर कार लेकर हुए फरार, कार का शीशा तोड़कर की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पुलिस ने शुरू की जांच। हरियाणा के करनाल में चला प्रशासन का बुलडोजर, 2 इमारतों को गिराया गया। अलीपुर में अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई, कृषि भूमि पर बने गोदाम पर चला बुलडोजर। राजस्थान के करौली में अवैध कब्जे पर एक्शन, प्रशासन ने 12 से ज्यादा दुकानों पर चलाया बुलडोजर। धौलपुर में पेपर से पहले छात्रों ने लगाई फांसी, छात्र को लटका देकर मकान मालिक बुजुर्ग की हार्ट अटैक से हुई मौत, पुलिस की जांच जारी। झालावाड़ में बीजेपी की महिला नेता ने युवक को पीटा, सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी से नाराज थी महिला नेता, वीडियो वायरल। इंदौर में गाड़ियों में तोड़फोड़ करने वाले आरोपी गिरफ्तार, गैरेज मालिक से विवाद के बाद की थी तोड़फोड़, कई आरोपियों की तलाश जारी। जगदलपुर में नशे की हालत में पुलिस जवान ने 10 से ज्यादा वाहनों में की तोड़फोड़, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी करतूत, जवान के खिलाफ मामला दर्ज। अंबिकापुर में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 युवकों को मारी जोरदार टक्कर, दोनों युवकों की मौके पर मौत, ग्रामीणों ने चक्का जाम कर जताया विरोध। सूरजपुर में हाथियों का आतंक जारी, गांव में मचाई तबाही, फसल को किया बर्बाद, 1 मवेशी को कुचला, मवेशी की मौत। जांजगीर में कार से स्टंट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 कार भी जब्त, चलती कार से निकलकर ले रहे थे सेल्फी। शेखपुरा में पुलिस ने हथियार लहराते युवक को किया गिरफ्तार, युवक का भोजपुरी गानों पर डांसर के साथ हथियार लहराने का वीडियो हुआ था वायरल। जमशेदपुर में मौसम का बदला मिजाज, झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। पेरू में साइक्लोन याकू ने मचाई भारी तबाही, लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। पेरू के जिमरका शहर में लैंडस्लाइड में बहा बच्चा, जान पर खेलकर पड़ोसियों ने बच्चे को बचाया, अस्पताल में कराया भर्ती। पेरू में याकू चक्रवात से बिगड़े हालात, लगातार बारिश से नदी में तब्दील हुई सड़कें, बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी। फ्रांस में नए पेंशन बिल को लेकर जबरदस्त हंगामा, पेरिस में सड़कों पर उतरे 2000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी। चिली में स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन, सरकार से स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की मांग की।
रूस और यूक्रेन में और तेज हुई जंग, बखमुत में मोर्टार और तोपखाने से हमला। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को और मदद देगा पोलैंड। राष्ट्रपति डूडा ने यूक्रेन में 29 लड़ाकू विमान देने की घोषणा की। कोलंबिया में कोयला खदान में ब्लास्ट मामले में बढ़ा मौतों का आंकड़ा, अब तक कुल 21 लोगों की मौत। इजरायली सेना का वेस्ट बैंक में उग्रवादियों पर अटैक, हमले में 4 फिलिस्तीनियों की मौत। मॉस्को की चिड़ियाघर में मनाया गया पांडा दिवस, चीन के गिफ्ट किए गए 2 पांडा को कई खास तरह के व्यंजन पेश किए गए। टेस्ट सीरीज के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का आगाज, आज खेला जाएगा पहला मैच, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा मुकाबला। वनडे क्रिकेट में एक और रिकॉर्ड के करीब, विराट कोहली 13,000 से सिर्फ 191 रन है दूर। वुमेन्स प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स की हार, गुजरात ने 11 रनों से हराया। एक्सीडेंट के बाद ऋषभ पंत से मिले युवराज सिंह, मुलाकात कर जाना हाल, फोटो शेयर कर बोले चैंपियन फिर से उठेगा। स्वरा भास्कर और फहाद का दिल्ली में वेडिंग रिसेप्शन, सीएम केजरीवाल, राहुल गांधी, जया बच्चन के साथ साथ कई पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटी हुए शामिल। बिग बॉस 16 के खिलाड़ी शिव ठाकरे ने खरीदी लग्जरी कार, 30 लाख है गाड़ी की कीमत। जी न्यूज़।